गाइस अभी सुबह के बज रहे हैं 10 एंड सुबह के 10 बज रहे हैं, तो हम वहाँ अभी हम जा रहे हैं नुब्रा वैली। सो देखते हैं नुब्रा वैली में क्या क्या करते हैं। ATV वगैरह बहुत सारी राइड्स हैं। आज है Day 3। सो चलते सीधा ट्रैवलर के अंदर। गाइस चल रहे हैं ट्रैवलर के अंदर, जो बिल्कुल गेट से बाहर ही आ रखी है ट्रैवलर हमारी, उसके अंदर बैठते हैं। और आज मैंने अपनी रिंग भी चेंज कर ली है मेरे पास। हमेशा की तरह मैंने फर्स्ट सीट ले ली है, क्योंकि यहाँ से मुझे व्यू कैप्चर करना होता है, तो इसलिए मैंने फर्स्ट सीट ली है। और मैं हमेशा की तरह हम उतरे हैं बिल्कुल साइड में। मैं नहीं जाऊंगा, सो आप देखिए यहाँ पे हम उतरे हैं यहाँ पे। पापा वहाँ मत बैठो, वो पत्थर वैसा है, देख सकते हो सीधा नीचे खाई जा रही है, सीधा नीचे खाई जा रही है। एंड हमारे थोड़े से ऊपर ही बादल आ रखे हैं, आप उस साइड देख सकते हैं बादल आ रखे हैं बिल्कुल। हमें वहीं से निकल के जाना है अभी बादलों में से, तो बहुत अच्छा लगने वाला है। एंड दर्शन अंदर बैठे से डर लग रहा है, डर तो मुझे भी लग रहा है। यहाँ दोनों कुल्फी जम गई है, कुल्फी देखिए बर्फ ही बर्फ कुल्फी जम गई है। नहीं स्टॉल ले लो, कुल्फी जम रही है। सो अभी तो मुझे Day 2 का एडिट करना है, सो इसलिए मिलती हूँ मैं। मुझे वैसे भी बहुत ठंड लग रही है, स्किन ना आप देख पा रहे हो पूरी ड्राई हो गई है, बर्फ ही बर्फ यार, बर्फ ही बर्फ। उस तरफ बादल बादल और इस तरफ बर्फ ही हम पहुंचने वाले हैं नुब्रा वैली। सो ये मम्मी हम पहुंच चुके हैं, अभी हम शोक वैली से होते हुए जाएंगे, फिर हम नुब्रा वैली पहुंच जाएंगे। गाइस हम उतरे थे नुब्रा में एंड बारिश शुरू हो चुकी है, अब देखते थोड़ा सा रुक के चलेंगे, बारिश हो रही है। सो गाइस अभी बाहर बारिश हो रही है, हमारा पोपट हो गया है। गाइस अभी देखते हैं हम यहाँ ATV चलाते हैं कि नहीं। वैसे 2 टिकट्स बुक हो चुकी हैं नुब्रा में एंड बारह भी हल्की हल्की बारिश हो रही है। गाइस मौसी ने इन कुत्तों को बुलाया था, अभी यहीं बैठ गए अपना डेरा जमा के।
बहुत गंदी सी हो गई ना यार, पर्स पर्स नहीं छूटे हाँ, शीशे बंद कर देना ना बस। वैसे आगे 6.5 hours later अंकल स्ट्रीट डॉग है ये, तो आपको पोमेरियन की तरह लग रहा है इसका, एक बार आप मुंह पर ध्यान से देखेंगे। हाँ ठीक लग रही, बस बस देख रहे ना ईटीपी कैसे चलाओगी। नहीं मुझे डर लगने लग रहा है कुत्तों से। मुझे A few moments later गाइस बिना डर के मैं आ चुकी हूँ खतरों के खिलाड़ी बन के, दो दो सिपाही पीछे लेके। अरे हम चल रहे हैं एटीपी चलाते हैं, देखते हैं गाइस यार मुझे भी चलाने, देखते हैं बच्चे चला पाते हैं कि नहीं। पापा ये ड्राइवर को देना होता है, ये ड्राइवर को देना है। ठंडी भी बहुत तेज हो रही है बुआ, मेरे साथ ना बहुत सारे व्यू देखिए एक बार आप। ओके गाइस तो सी सो गाइस अभी हम जा रहे हैं डिस्को ट्री, ये अच्छा फल है यार तुम्हें। हमने यहां बिस्किट मोनेस्ट्री, सो गाइस हम आ चुके हैं बिस्किट मोनेस्ट्री और यहाँ पे देख पा रहे क्या खा। ओ हमारे एक फ्रेंड मिल गया हमें आते ही, डॉगी है देखिए गाइस। सो चलिए हम सीधा अंदर की तरफ चलेंगे हम, प्लीज नो स्मॉल में से या फाइन आर फास्टर एंड वो है वो डिस्ट्रिक्ट मिनिस्ट्री जहाँ हम आए हैं। 500 रुपये तो चल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट मिनिस्ट्री की तरफ। सो आ जा भाई आ जा दर्शन।
दादा जी बहुत अच्छा है, हमें यहाँ खड़ा कर रहे हैं। भैया ने गाड़ी कहाँ खड़ी करी है देखिए। सो गाइस हम चल रहे हैं अंदर की तरफ, यहाँ वीडियो अलाउड है। सो गाइस हम चलते चल रहे हैं और ये बस हम आ चुके हैं। हमारे पीछे ही है डिस्ट्रिक्ट मिनिस्ट्री। ओके सो ऐसा है ये कुछ। यहाँ पे नो वीडियोस नो फोटोज दिखा। ओके गाइस सो गाइस अब हम चलते हैं अंदर की तरफ। गाइस यहाँ पे वीडियो अलाउड नहीं है तो बंद करनी पड़ेगी। बोल ही रहे थे वो भैया कि वहाँ पे सर घूमेगा इसलिए रुकना मत ज्यादा। हम टेम्पल से आ चुके हैं और अंदर टेम्पल के वीडियो अलाउड नहीं थी ना फोटो अलाउड थी, सो इसलिए मैंने अंदर का व्लॉग शूट नहीं करा। सो अभी घूमने निकल रहे हैं है ना। क्या कुदरत तो देख लो सही में, यहां कोई बारिश कहीं धूप छाया है। कुदरत की क्या माया। सुबह में तो हमने पहन लिया। बाबा ऋषि कैसे आ जाते हैं सब जगहों पे, नहीं जाते थे कितने साल। अंदर चलते हैं यहां का कुछ पे और ये है मेन टेम्पल। मैं तो ना आऊं कभी जिंदगी में। सो गाइस फिर से तीसरी बार कुल्फी जम चुकी है और अब हम जाएंगे सीधा कैंप में रात को। सो चलो मौसी, मम्मी ये भी कर दो यार ये बहुत ज़्यादा मम्मी। ओके गाइस अब यहाँ थोड़े देर के लिए फोटो शूट चलेगा। सो वो और वो कहाँ है मौसी पैर। ओके हम चल के चल रहे हैं। क्योंकि मम्मी ने एटीपी नहीं चलाई थी तो इसलिए मम्मी कैमल राइड करेंगी। सो गाइस अभी हम चलते हुए कैमल राइड की तरफ। कितना प्यारा फोटो वीडियो है। ओ भाई साहब चलो चलो फटाफट चलते हैं। फाइन ऑफ आरस की वाओ। सो यहाँ पे आपको एक ड्रेस चेंजर मिल जाता है। भाई साहब यहाँ से क्या वैली जा रही है भाई। वो यहाँ तो एक फोटो बनती है तो यहाँ किसने
आ जाओ नीलम भाई, फोटो तो बनती है, अम्मी चलो आपके फोटो। सो गाइस, फोटो सेशंस हो चुके हैं और ये कितना प्यारा लग रहा है, पीछे से वैली सी निकल रही है। एंड अब हम चलेंगे ब्रिज पे, बहुत अच्छा व्यू है वहाँ पीछे, कैमल राइड हो रही है। चल रहे हैं एटीवी राइड, तो हम पहले ही करके आ गए थे एटीवी राइड। अभी हम यहाँ से ब्रिज क्रॉस करेंगे। आजा चलो गाइस चलते हैं ब्रिज क्रॉसिंग करते हैं। छोटू सा ब्रिज है, वुडन ब्रिज। एंड आई हैव क्रॉस्ड इट टू फास्ट। वहाँ वाले ब्रिज पे भी एक बार चल लेते हैं गाइस। वो मेरे पापा और मौसी दिख रहे होंगे। Towards the bridge. ये है पापा। Friends guys, welcome back to another video. तो यहाँ पे इन लोग का फोटो शूट चल रहा है और आज है डेट 12 सितंबर। एंड ये हमारी फोटोग्राफर, साथ में सिंगल तो नहीं आ पाई। ये हमारी फोटोग्राफर है, हम आपको दिखा देते हैं। मैं फोन मत करते हैं दर्शील, तुम्हें पता नहीं है वीडियो बनाऊं। फोन तो मम्मी है, मम्मी ने पहली बार बनाया है। दर्शील देना स्लोमो बना मुझे, पानी का बहता हुआ पानी का स्लोमो बना मुझे, है ना। सो गाइस हम चल रहे हैं कैमल, मम्मी एक कैमरे पे सही गंदा बैठ सकता है। सो गाइस ये रहे बिग हम्स कैमल, आपको दिख ही रहे होंगे बिग हम कैमल। सो गाइस दीज आर कैमल्स। किसने ये पूछना? नहीं बैठो ना, कुछ नहीं, हम इस कैमरे से दूर ही रहो। ये थूक फेंक रहा है, ये तो लामा की तरह थूक फेंक रही थी, माइनक्राफ्ट वाला लामा। गुटका खा रहे थी मम्मी, दूर हट जाओ। हाय दर्शील, ये आ रहे पापा और दर्शु। बता दो, अरे सेम ही तो होता है ना पापा। सो गाइस अभी हम जा रहे टिकट देखने, अगर कुछ ज्यादा ही कॉस्टली हुई सो अदरवाइज वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। सो चल रहे हैं हम, बच्चों के तो नहीं लेंगे ना ये? लेंगे ऑब्वियसली। नहीं बच्चों का, मम्मी बच्चों को बता देंगे। अब तो 600 रुपए ना, मैं 400 देना ना आपको, इसलिए मैं 100 हो गया तो। सो गाइस हमने दो टिकट ली है, दर्शु और मैं अकेली बैठेंगे। मुझे तो पहले से ही डर लग रहा है थूक फेंकने वाले हैं। आ जाओ फटाफट चल, हम दोनों एक साथ हैं। सो गाइस वी आर जस्ट वॉकिंग अहेड। तब तो मम्मी तुम तेरी
दर्शील दर्शील सीधा जा सीधा दर्शील बाय दर्शील पीछे पीछे सारा पानी क्यों क्यों बनाना बनाते तो अरे बेटा जेलस वेलकम हां तो बना देना अब वीडियो पता होएगा तो एवरीवन गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो तो आपको पता होएगा कि हम लद्दाख में आ रखे हैं एंड अभी चल लेते हैं लद्दाख में आ रखे हैं कहां पे नूबरा वैली जा रहे हैं नूबरा वैली आ चुके हैं नूबरा वैली आ चुके हैं हम अब अपने कैंप में जा रहे हैं और अब हम अपने कैंप में समुद्र जा रहे हैं समुद्र पार करना है एंड हम समुद्र पार करने हैं कूदना नहीं आराम से तो हमने समुद्र पार कर दिया है एंड अभी हम आपको एक चीज दिखाना चाहते हैं हम उस पे बैठे थे हम इस पे बैठे थे ऊंट पर एंड चल लेते हैं अपनी ट्रैवलर में लेंडे तो ना पे तो यहाँ पे आपको आराम से चलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे कपकेक्स मतलब क्या था तभी तो हेलो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो तो आज के वीडियो में हम लद्दाख में आ रखे थे आपको पता होगा एंड अभी हमने कैमल राइड करी है सो गाइस हमने कर लिया कैमल राइड 15 मिनट के 300 रुपए थे एंड हम चलते हैं अपनी ट्रैवल के अंदर इतनी जोर से खोलते हैं सिमरन मेरी सीट आई है ये उधर चल ले चुपचाप से मैं इसलिए यही के लिए खड़ी हूँ अभी मैं गाइस हम नूबरा वैली एंटर हो चुके हैं और अब हम चल रहे हैं अपना कैंप की तरफ सो यहाँ रहते रहते अभी इतने दिन हुए मेरी वॉइस भी ऐसी हो गई सो अभी हम बज रहे हैं शाम के लगभग 7 बजने वाले हैं 6:50 हो रहा है और ऐसे हैं यहाँ के कुछ कैंप्स सो गाइस कैंप्स तो अच्छा लग रहे हैं बट यहाँ देखो सिटिंग एरिया भी है सुबह सुबह आके आप यहाँ पे फोटोग्राफी कर सकते हैं तो आ रहे हैं मैं तो अपने बुआ के पास जाऊंगी एंड गाइस मैं अभी आ चुकी हूँ कैंप में एक बार आपको टूर दे देती हूँ कैसा होता है कैंप सो गाइस एक बार अंदर का नज़ारा देख लीजिए बेड तो बहुत सॉफ्ट है यार एंड एक बार बाथरूम जो सबसे मेन प्रॉब्लम होती है देख लेते कैसा है सो बाथरूम में बहुत ही अच्छा क्लीन हो रखा है मतलब जैसा चाहिए होता है वैसे ही साफ साफ है अब हम यहाँ ड्रेस चेंजिंग एरिया मिल जाता है यहाँ पे विंडो है खोलना चाहे खोल सकते हैं एंड दिस साइड देयर आर विंडोज पता नहीं कैसे खुलना है ये सो ये है विंडोज यहाँ से आपको बाहर का भी दिखेगा और एक स्मॉल सोफ़ा प्लस बेड है और एक टॉवल दे रखा है नीट एंड क्लीन और यहाँ पे एक ब्लैंकेट और दे रखा है सो
मुझे तो नहीं लग रहा कि अब बहुत अच्छा दे रखा है, यहाँ पे भी व्यू अच्छा दे रखा है। अब आपको एक बार बाहर का व्यू दिखा देते हैं। सो यहाँ आपको डबल शील्ड दी जाती है, आप इसे खोल सकते हैं और मच्छर ना आए इसलिए ये दे रखा है। और ये बाहर का व्यू है गाइस, यहाँ पे भी नेट का फिनिशिंग दे रखा है ताकि अंदर मॉस्किटो वगैरह ना आ पाए। एंड इधर है हमारे लिए एक छोटी सी विंडो जिसे हम क्लोज कर सकते हैं इजीली, और यहाँ से थोड़ा सा इन्होंने इसे स्पेस दे रखा है। बट हाँ, इन्होंने इसी के हिसाब से यहाँ पे आपको नेट भी दे रखा ताकि अंदर मच्छर ना घुस पाए। एंड यहाँ पे 2 कुर्सी है, चेयर और एक टेबल दे रखा है ताकि आप सब आराम से बैठ के सुबह की चाय नाश्ता कुछ भी करना है यहाँ बैठ के कर लीजिए। और बहुत अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ का। सो मुझे तो बहुत अच्छा लगा अपना कैंप, और साथ ही साथ बाहर का व्यू भी बहुत अच्छा है। तो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ बाहर का भी जाके। सो गाइस चलते हैं, आपको दिखाते हैं बाहर का व्यू। यहाँ पे मैं अटैच कर देती हूँ खिड़की को, यहाँ से हम बाहर आते हैं। सो ऐसे थोड़े थोड़े कैंप्स लगे हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक सिटिंग एरिया और लॉन टाइप आप कह सकते हैं। और इधर मैं आपको दिखा रही हूँ, अंदर चलते हैं मौसी के कमरे में। गाइस ये है मेरी भाई का कमरा और मौसी का, सेम ही है। और ये सोफ़ा प्लस बेड है, कोई इस पर अलग से सोना चाहे तो सो सकता है खोल के। ओके सो यहाँ पर भी सेटिंग एरिया दिया जाता है, और एक रूम और है आपको वाला रूम भी मैं दिखा देती हूँ। ये है मेरे बुआ का रूम,